प्रणम्य जानकी जानीम याज्ञवल्क्यम तथैव च तनोमी याजुषिम शिक्षा छात्र कल्याण हेतवे सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हृतपापवृंदम श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम श्रीद्वारिकेशम शरणम प्रपद्ये। नमो नमः। जय द्वारकाधीश। मैं हेमंत जोशी आज आपको कपिल मुनि द्वारा विरचित सांख्य कारिका के अनुसार 25 तत्व कौन कौन से हैं उनका सामान्य परिचय देने जा रहा हूँ। अब सांख्य की व्याख्या क्या है, सर्वप्रथम अपन यह जानते हैं। सांख्य शब्द दो प्रकार से जाना जाता है। एक सांख्य संख्या के दृष्टि से जाना जाता है और दूसरा सम्यक ख्यानम सांख्य कहते हैं। यह सांख्य की व्याख्या है। अब यहाँ सर्वप्रथम 25 तत्व में पहले प्रकृति और पुरुष है। तो प्रकृति क्या है, यह सर्वप्रथम अपना प्रश्न है होता है। तो प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। वो प्रश्न यह है कि वह तीन गुण कौन से हैं। तो सत्व रज और तम, यह तीन गुण हैं। यह तीन गुण जिसमें विद्यमान हो उसे हम प्रकृति कहते हैं। उसके विपरीत क्या है, तो पुरुष है। अर्थात सत्व रज तम यह तीनों गुण से पर जो है उसे हम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ हम यह भी मान सकते हैं कि प्रकृति रात है और उसके विपरीत पुरुष दिन है। प्रकृति अचेतन है तो पुरुष चेतन है। इन दोनों से जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं महत, यानी कि बुद्धि। बुद्धि से जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अहंकार। अब प्रश्न यह होता है अहंकार किसे कहते हैं। तो अहम का भाव जिसमें होता है उसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार भी तीन प्रकार से जाना जाता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो सात्विक अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, तो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन। राजस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, राजस अहंकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं। तामस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिया श्रोत्र, त्वक, चक्षु, ग्राण और जिह्वा, यह पंच ज्ञानेन्द्रिया है। पंच कर्मेंद्रिया कौन सी है, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, यह पंच कर्मेंद्रिया है। पंच तन्मात्रा कौन सी है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पंच तन्मात्राएं है। और पंच महाभूत कौन से हैं, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह पंच महाभूत है। और एक मन, यह सब मिला के 25 तत्व सांख्यकारिका के अनुसार कपिल मुनि ने बताए है। अस्तु।